गुड मॉर्निंग दोस्तों। अपन नदियों के ऊपर चर्चा कर रहे थे जिसमें हिमालय की नदियां पूर्ण हुई है। आज पढ़ेंगे अपन प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, प्राय द्वीपीय भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। यानी कि पिछली क्लासों में अपन ने चर्चा की थी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो हिमालय क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। आज चर्चा करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। मतलब सीधा सा यूं है कि जो हिमालयी क्षेत्र की जो नदियां हैं वो सदावाहिनी है। क्यों? क्योंकि वो हिमखंड, या यूं कहें हिमालय से निकलती है, हिमनद से उनको जल की आपूर्ति होती है, तो वो सदावाहिनी है, 12 महीने बहती रहती है। जहां प्रायद्वीपीय भारत की अगर बात की जाए तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जलापूर्ति होती है। प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियां 12 मासी नहीं है, यानी कि वर्ष भर सारी नदियां वर्ष भर प्रवाहित नहीं होती है। इनमें से अगर देखा जाए तो कुछ नदियां ऐसी भी है जिनको उत्तरी पूर्वी मानसून और दक्षिणी पश्चिमी मानसून दोनों से जलापूर्ति होती है। जहां दोनों से जलापूर्ति होगी वो वर्ष भर बहेगी। फिर प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की अगर बात की जाए तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, इनका जो प्रवाह क्षेत्र है वो 2 भागों में विभाजित है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का जो प्रवाह क्षेत्र है, इस प्रवाह क्षेत्र की अगर बात करें तो प्रवाह क्षेत्र 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो है आपका अरब सागरीय अपवाह तंत्र और दूसरा है आपका बंगाल की खाड़ी का प्रवाह क्षेत्र। एक तो अरब सागर का प्रवाह क्षेत्र और दूसरा बंगाल की खाड़ी का प्रवाह क्षेत्र। यानी कि अगर भारत के नक्शे में अपन बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र है आपका पूरा किसका है? बंगाल की खाड़ी, यानी कि जो पूर्वी क्षेत्र है वो बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आएगा और ये पश्चिमी जो क्षेत्र है वो किसमें आएगा? अरब सागरीय अपवाह तंत्र के क्षेत्र में सम्मिलित होगा। यानी कि पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। और जब आपको प्रायद्वीपीय पठार पढ़ाया था उस समय बताया था कि प्रायद्वीपीय पठार का जो ढलान है वो बंगाल की खाड़ी की ओर है, यानी कि पूर्व दिशा की ओर, या यूं कहें दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। तो इस पश्चिमी घाट से जो नदियां निकलेगी, या यूं कहें कि पश्चिमी तटीय क्षेत्र या पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र से जितनी भी नदियां निकलेगी अधिकांशतः नदियों का बहाव बंगाल की खाड़ी की ओर होगा। लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप ढाल के विपरीत भी बहती है, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली कुछ ऐसी अपवाद स्वरूप नदियां हैं जो ढाल के विपरीत बहते हुए अरब सागर में अपना जल डालती है। जैसे उदाहरण के तौर पर नर्मदा और ताप्ती ढाल के विपरीत बहती है। तो इस प्रकार से अपन 2 भागों में विभाजित करेंगे, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। इन नदियों की और विशेषता के संदर्भ में बात करें तो बंगाल की खाड़ी का जो अपवाह तंत्र है वह अपवाह तंत्र डेल्टा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? डेल्टा का। जबकि अरब सागर का जो अपवाह तंत्र है वह ज्वार नद मुख का निर्माण करता है। याद रहे अरब सागरीय अपवाह तंत्र की सारी नदियां ज्वार नद मुख का निर्माण नहीं करती। जैसे बात की जाए सिंधु नदी, तो सिंधु नदी कैलाश मानसरोवर के निकट से निकलती है। कैलाश मानसरोवर से निकलने के बाद यह अरब सागर में अपना जल डालती है लेकिन डेल्टा का निर्माण करती है। बात समझ रहे? वही नर्मदा और ताप्ती जो है वह ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। तो अरब सागरीय अपवाह तंत्र की सभी नदियां ज्वार नद मुख का निर्माण नहीं करती है लेकिन प्रायद्वीपीय पठार की अगर बात की जाए तो प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नर्मदा और ताप्ती नदी ज्वार नद मुख या एस्चुरी का निर्माण करती है। ज्वार नद मुख और एस्चुरी, यानी कि ज्वार नद मुख का मतलब है कि नदी का समुद्र या खाड़ी में मिलने से पूर्व एक विस्तृत क्षेत्र में फैलना नहीं, सीधी धारा के रूप में जाकर के सम्मिलित होती है। और डेल्टा जो है नदी कई सारी छोटी छोटी वितरिकाओं में या छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती है, एक दलदली मैदान का निर्माण करती हुई डेल्टा है। सामान्य तौर पर आपको समझना है, ज्यादा डेफिनेशन के डेप्थ में नहीं जाना है। सिंपल सा, कई छोटी छोटी वितरिकाएं या जलधाराओं में विभाजित होती है, दलदली क्षेत्र का निर्माण करते हुए सागर में अपना जल उड़ेले डेल्टा। और ज्वार नदमुख छोटी छोटी वितरिकाओं में न बट करके सीधी धारा के रूप में सागर या खाड़ी में या समुद्र में मिल जाए, वो ज्वार नदमुख है। यह एस्चुरी का निर्माण होता है। और ज्वार नदमुख का जो एरिया है वो मछली पालन के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए? मछली पालन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर नदी का ज्वार नदमुख जो है, यहाँ पर नदी का ताजा जल, अशुद्धियां बहुत ही कम होती है। ताजा जल जो है समुद्र के खारे पानी से मिलता है। जब खारा पानी और ताजा पानी दोनों एक साथ मिलेंगे तो एक अच्छे वातावरण का निर्माण होगा तथा मछली पालन में सहायता रहेगी। ये कुछ बेसिक जानकारी थी
अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की नदियों के। अब अपन सबसे पहले चर्चा करेंगे अरब सागरी अपवाह तंत्र का। किसके संदर्भ में चर्चा करेंगे? अरब सागरी अपवाह तंत्र, यानी कि मैं आपको यहाँ पर सारी नदियां बता दूंगा कि राजस्थान से निकलने वाली कौन सी नदियां अरब सागर में जाती है और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली कौन कौन सी नदियां अरब सागर में जाती है। यानी कि अपन सामान्य तौर पर सभी नदियों की बात कर लेंगे कि जिसमें राजस्थान भी सम्मिलित होगा। यानी कि अपन पढ़ रहे हैं क्या, अरब सागरीय अपवाह तंत्र, अरब सागरीय अपवाह तंत्र। किसकी चर्चा करेंगे अपन? अरब सागरीय अपवाह तंत्र की चर्चा करेंगे। यानी कि अरब सागरीय अपवाह तंत्र के संदर्भ में अगर बात की जाए तो जो अरब सागरीय अपवाह तंत्र है, इस अरब सागरीय अपवाह तंत्र की अगर अपन बात करें, ये आपके सामने प्रायद्वीपीय भारत का नक्शा बना हुआ है। और अरब सागरी अपवाह तंत्र की बात की जाए तो अरब सागरी अपवाह तंत्र की जो प्रमुख नदियां हैं, उन प्रमुख नदियों के बारे में मैं आपको बेसिक जानकारी दे देता हूँ कि भाई कौन कौन सी नदियां हैं अरब सागरी अपवाह तंत्र की। तो अपन देखते हैं, शुरू से अगर देखें तो अरब सागरी अपवाह तंत्र में नंबर एक पर पड़ेंगे अपन लूनी नदी। कौन सी? लूनी नदी। लूनी नदी राजस्थान के संदर्भ में बात की जाए तो लूनी, लूनी के बाद अगर चले इसके दक्षिण में तो फिर आएगी अरब सागरी अपवाह तंत्र की एक बनास नदी। बनास नदी के दक्षिण में अगर अपन चलते हैं तो आएगी कौन सी? साबरमती। साबरमती। और फिर नंबर चार पर अगर देखा जाए तो माही नदी। कौन सी? माही नदी। इन नदियों का सीधा सीधा संबंध राजस्थान से भी है। कहां से है? राजस्थान से भी इन नदियों का सीधा सीधा संबंध है। नेक्स्ट, इसके बाद माही के बाद अगर आगे बात करें अपन, माही के बाद अपन देखेंगे अगली नदी है आपके सामने नर्मदा। और नर्मदा के बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है ताप्ती। कौन सी? ताप्ती। फिर अगर देखा जाए ताप्ती के बाद मांडवी, और मांडवी के बाद अगर बात करें अपन तो जुआरी। जुआरी। फिर नेक्स्ट अगर बात की जाए तो अगली नदी है शरावती। कौन सी? शरावती। फिर देखा जाए तो अगली नदी है पेरियार, और पेरियार के बाद अगर देखा जाए तो अगली नदी है भरतपुंजा। भरतपुंजा। ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जिनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। यानी कि अरब सागरी अपवाह तंत्र की अगर बात की जाए तो ये प्रमुख नदियां अपन चर्चा करेंगे इनके बारे में। अब अगर देखा जाए नंबर एक पर अगर बात करें अपन लूनी नदी की। किसकी बात करें? लूनी नदी की। अगर लूनी नदी के संदर्भ में देखें तो लूनी नदी, आपको पता ही है कि जो लूनी नदी है इसका उद्गम होता है नाग पहाड़ अजमेर से। कहाँ से होता है? नाग पहाड़। नाग पहाड़ बताने से पहले मैं आपको बेसिक जानकारी दे देता हूँ ये क्षेत्र कौन कौन सा है। अगर इस क्षेत्र की बात की जाए, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये है आपका कच्छ का रण। कौन सा है? क्या है? कच्छ का रण। कच्छ के रण के बाद अगर बात की जाए तो ये वाला जो क्षेत्र है ये है आपकी कच्छ की खाड़ी। क्या है? कच्छ की खाड़ी। और फिर अगर अंततः अगर अपन बात करें तो ये वाला जो पूरा क्षेत्र है आपका, ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र आपका कहलाएगा क्या? खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी, ये पूरा क्षेत्र। यानी कि सीधी सी अगर अपन बात करें तो पर्टिकुलर क्षेत्र की देखा जाए तो ये वाला जो क्षेत्र है आपका, इसको नाम दिया गया है क्या? कच्छ का रण। क्या नाम दिया गया है? कच्छ का रण। कच्छ का रण। और ये वाला जो क्षेत्र है यह है आपके सामने कच्छ की खाड़ी। क्या है? कच्छ की खाड़ी। और ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र कहलाएगा आपके सामने खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी। और अंत में ये वाला जो क्षेत्र है आप सभी जानते ही हो, अरब सागर। और सबसे अंत में देखा जाए तो हिंद महासागर का क्षेत्र आएगा। तो पर्टिकुलर एरिया क्लियर हो जाना चाहिए, पहले कच्छ का रण, फिर कच्छ की खाड़ी, फिर खंबात की खाड़ी, और फिर अरब सागर का क्षेत्र। अब अगर अपन नदी के संदर्भ में बात करें, नदी के संदर्भ में अगर बात की जाए तो आपके सामने देखा जाए तो राजस्थान में एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है नाग पहाड़। कौन सा क्षेत्र? क्या है? नाग पहाड़। नाग पहाड़ आप सभी जानते ही हो कि नाग पहाड़ अजमेर जिले में स्थित है। कहाँ है? अजमेर जिले। इस अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है लूनी नदी। लूनी नदी, यानी कि नाग पहाड़ अजमेर
अजमेर से नदी नागौर, नागौर के बाद पाली, पाली के बाद जोधपुर, जोधपुर के बाद बाड़मेर, बाड़मेर के बाद जालौर, जालौर के बाद अंततः गुजरात और फिर कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। यानी कि लूणी नदी की अगर बात की जाए तो लूणी नदी का उद्गम नाग पहाड़ अजमेर से होता है। नाग पहाड़ अजमेर से निकलने के बाद यह नागौर, नागौर के बाद पाली, फिर जोधपुर, फिर बाड़मेर, जालौर और अंततः गुजरात यानी कि कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। तो लूणी नदी की बात की जाए तो यह राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है। कितने जिलों में प्रवाहित होती है? 6 जिलों में। जब लूणी नदी का उद्गम होता है तो अपने उद्गम स्थल पर यानी कि उद्गम स्थल का जो क्षेत्र है इसका, इस प्रारंभिक क्षेत्र में इसे कहा जाता है सागरमती। किस नाम से जाना जाता है? सागरमती। फिर बात की जाए तो एक क्षेत्र आता है जिसका नाम है गोविंदगढ़। कौन सा क्षेत्र आता है? गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ के निकट बात की जाए तो गोविंदगढ़ का जो क्षेत्र है यहां पर एक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है सरस्वती। क्या नाम है? सरस्वती। गोविंदगढ़ के निकट पुष्कर से आती है एक नदी जिसका नाम है सरस्वती। सरस्वती मिलने के बाद, गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती नदी मिलने के बाद यह लूनी नदी के नाम से प्रवाहित होती है। इस लूनी नदी को अंतःसलिला भी कहा जाता है। कालिदास ने इसे अंतःसलिला के नाम से संबोधित किया है। अंतःसलिला, सागरमती, आदि खारी, आदि मीठी, लवणवती आदि कई इसके उपनाम है। फिर लूनी की अगर बात की जाए तो लूनी की सहायक नदियां हैं लीलड़ी, मीठड़ी, सुकड़ी, बांडी, खारी आदि। बात की जाए तो लूनी की एकमात्र दाई ओर से मिलने वाली सहायक नदी है जिसका नाम है जोजड़ी। क्या नाम है? जोजड़ी, जो पोंडलू गांव नागौर से निकलती है। लूणी नदी पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। इस लूणी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है जवाई, और जवाई नदी पर बना हुआ है एक बांध जिसका नाम है जवाई बांध, सुमेरपुर पाली में है, जो मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। यानी कि बात की जाए तो लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नाग पहाड़ अजमेर से लूणी नदी का उद्गम होता है। फिर अगर बात की जाए तो लूणी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, क्या है? लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र अगर देखा जाए तो लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के 6 जिलों में है तथा राजस्थान के कुल प्रवाह क्षेत्र का 10.40% भाग है। यानी कि बात की जाए तो भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान के अंतर्गत क्षेत्र आता है 10.41%। क्लियर हो गई ना बात? वहीं राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के कुल प्रवाह क्षेत्र का 10.04% लूणी नदी कवर करती है। तो ये थी लूणी नदी की कहानी। लूणी नदी के बाद अगर बात करें अपन तो लूणी के दक्षिण में अगर अपन चलें, ये क्षेत्र है अजमेर का। किसका क्षेत्र है? अजमेर का। लूणी के अगर दक्षिण में अपन चलते हैं तो लूणी नदी के दक्षिण में नया सनावरा सिरोही की अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए? नया सनावरा सिरोही से एक नदी निकलती है जिसका नाम है पश्चिमी बनास। क्या नाम है? पश्चिमी बनास। यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है यह क्षेत्र कहलाएगा नया सनावरा सिरोही। नया सनावरा सिरोही से नदी निकलती है जिसका नाम है क्या? पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास। क्लियर हो गई ना बात? तो पश्चिमी बनास जो है, इस पश्चिमी बनास का उद्गम होता है नया सनावरा सिरोही। नया सनावरा सिरोही में पड़ता है, और नया सनावरा सिरोही से पश्चिमी बनास का उद्गम होता है, अंत में यह गुजरात और गुजरात में जाकर के कच्छ की खाड़ी में अपना जल डाल देती है। क्लियर हो गई बात? पश्चिमी बनास के बाद अगर आगे बात करें तो पश्चिमी बनास के दक्षिण में एक नदी बहती है जिसका नाम है साबरमती। क्या नाम है? साबरमती। साबरमती नदी की अगर बात की जाए तो साबरमती नदी का उद्गम होता है कोटड़ा उदयपुर से। साबरमती नदी का उद्गम कहां से होता है? कोटड़ा, कोटड़ा उदयपुर, कोटड़ा तहसील उदयपुर से साबरमती नदी का उद्गम होता है। और इस साबरमती नदी की बात की जाए तो उदयपुर से निकलने के बाद साबरमती नदी यानी कि राजस्थान से उद्गम होता है लेकिन गुजरात की मुख्य नदी है, अंततः या खंबात की खाड़ी में ले जाकर के अपना जल डालती है। तो साबरमती नदी की अगर बात की जाए तो साबरमती नदी का उद्गम होता है कहां से? कोटड़ा उदयपुर। साबरमती नदी का उद्गम कहां से होता है? कोटड़ा उदयपुर से होता है। राजस्थान से उद्गम होता है लेकिन गुजरात की मुख्य नदी है। इस साबरमती नदी के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो साबरमती नदी के किनारे गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर,
गुजरात की राजधानी गांधीनगर साबरमती नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे स्थित है? साबरमती के किनारे गुजरात की राजधानी गांधीनगर स्थित है। नेक्स्ट बात की जाए तो साबरमती नदी के किनारे ही गांधी जी का एक आश्रम बना हुआ है जिसका नाम है साबरमती आश्रम। साबरमती नदी के किनारे ही आश्रम बना हुआ है अहमदाबाद शहर में जिसका क्या नाम है? साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम की अगर बात की जाए तो साबरमती आश्रम स्थित है अहमदाबाद में। कहाँ स्थित है? अहमदाबाद। अहमदाबाद। इस साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी 1915 ईस्वी में। कब हुई थी? 1915। यानी कि साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में महात्मा गांधी जी के द्वारा सन 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी और साबरमती आश्रम से ही दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी, आप जानते ही हो। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो जो पूर्व का मैनचेस्टर यानी कि सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है शहर अहमदाबाद, अहमदाबाद या यूं कहें पूर्व का मैनचेस्टर साबरमती नदी के किनारे ही स्थित है। इसी साबरमती नदी के किनारे गुजरात की राजधानी गांधीनगर भी स्थित है। तो अहमदाबाद और गांधीनगर दो प्रमुख शहर साबरमती नदी के किनारे स्थित हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए साबरमती के बाद तो अगली नदी है अपने पास माही। कौन सी नदी है? माही नदी। इस माही नदी की बात की जाए तो माही नदी का जो उद्गम है वो माही नदी का उद्गम होता है मेहद झील धार मध्य प्रदेश। कहां से होता है? मेहद झील। यानी कि माही नदी के उद्गम की अगर बात की जाए तो माही नदी का उद्गम होता है कहां से? मेहद झील धार मध्य प्रदेश। मेहद झील धार मध्य प्रदेश से माही नदी का उद्गम होता है। तो मेहद झील धार मध्य प्रदेश से यह नदी निकलने के बाद खांडू गांव बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है। बांसवाड़ा के बाद यह प्रतापगढ़ के बाद डूंगरपुर और डूंगरपुर पहुंचने के बाद अंततः पंचमहल गुजरात और फिर अंत में खंबात की खाड़ी में अपना जल उड़ेल देती है। यानी कि माही नदी की अगर बात की जाए तो माही नदी का उद्गम होता है मेहद झील धार मध्य प्रदेश से और खांडू गांव बांसवाड़ा से यह राजस्थान में प्रवेश करती है। इसके बाद अगर बात की जाए तो इस माही नदी को कर्क रेखा दो बार काटती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि जो कर्क रेखा है वह कर्क रेखा माही नदी को दो बार काटती है। माही नदी को दक्षिणी राजस्थान की गंगा, आदिवासियों की स्वर्ण रेखा या आदिवासियों की गंगा के नाम से, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा आदि उपनामों से जाना जाता है। कर्क रेखा को दो बार काटती है। इसके बाद अगर बात की जाए तो इस माही नदी के संदर्भ में अपन बात करें तो माही नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है माही बजाज सागर बांध। कौन सा बांध बना है? माही बजाज सागर बांध। माही नदी के ऊपर बांध बना हुआ है जिसका क्या नाम है? माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। इस माही बजाज सागर बांध की अगर बात की जाए तो माही बजाज सागर बांध की लंबाई है 3109 मीटर और यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। 3109 मीटर इसकी कुल लंबाई है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है माही बजाज सागर, जो राजस्थान और गुजरात की एक संयुक्त परियोजना भी है। अगर बात की जाए माही बजाज सागर की तो माही बजाज सागर बांध बना है बोरवास गांव, बांसवाड़ा जिले में पड़ता है बोरवास गांव। उस बोरवास गांव बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। नेक्स्ट बात की जाए इस माही नदी के किनारे ही एक उर्स लगता है जिसका नाम है गलिया कोट उर्स। कौन सा उर्स लगता है? गलिया कोट डूंगरपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में। यानी कि गलिया कोट डूंगरपुर में दाऊदी बोहरा संप्रदाय की सबसे बड़ी पीठ है और गलिया कोट डूंगरपुर में स्थित है माही नदी के किनारे। फिर अगर देखा जाए जिस माही नदी के किनारे ही बात करें तो एक क्षेत्र है जिसका नाम है बेणेश्वर धाम। कौन सा है? बेणेश्वर धाम। इस बेणेश्वर धाम की बात करें तो सोम, माही और जाखम, माही की सहायक नदियां हैं सोम और जाखम। सोम, माही और जाखम का त्रिवेणी संगम बनता है बेणेश्वर धाम में और बेणेश्वर धाम में माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। कहाँ, कब लगता है? माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर धाम में क्या लगता है? मेला लगता है माघ पूर्णिमा को और यह मेला कहलाता है आदिवासियों का कुंभ। क्या कहलाता है? आदिवासियों का कुंभ। माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर धाम में मेला लगता है जो क्या कहलाता है? आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए
अगली नदी की, तो अपने सामने अगली नदी है नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की बात की जाए तो नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से। कहां से होता है? अमरकंटक, है ना, अमरकंटक सतपुड़ा रेंज में, मध्य प्रदेश राज्य में आता है, यानी कि सतपुड़ा पर्वतमाला जो है उसी का एक क्षेत्र है अमरकंटक। यानी कि अमरकंटक की बात करें, उससे पहले मैं बताऊं आपको कि जो नर्मदा नदी है, इस नर्मदा नदी की बात करें तो एक क्षेत्र आता है आपका जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत। कौन सा पर्वत? विंध्याचल। और एक है आपका सतपुड़ा। कौन सा? सतपुड़ा। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत की बात की जाए तो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतों के मध्य जो ब्रंश घाटी है, उस ब्रंश घाटी में प्रवाहित होती है नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। तो अपन चर्चा कर रहे हैं नर्मदा नदी के संदर्भ में। इस नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ी से। सतपुड़ा पर्वतमाला की एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है अमरकंटक। अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गुजरात होते हुए अंततः खंबात की खाड़ी में अपना जल उड़ेल देती है। यानी कि बात की जाए तो नर्मदा नदी जो है वह ब्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। किसमें प्रवाहित होती है? ब्रंश घाटी। ब्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली एक नदी है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नर्मदा नदी के क्षेत्र में अगर देखें तो नर्मदा नदी पश्चिमी प्रवाह की सबसे, पश्चिमी प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। पश्चिमी प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई की अगर बात की जाए तो 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। यानी कि अगर बात की जाए तो प्रवाह की दृष्टि से भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। प्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। फिर देखा जाए तो गंगा की सबसे लंबी सहायक है यमुना, और यमुना की सबसे लंबी सहायक है चंबल। यानी कि राजस्थान की भी सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल है। पूर्णतया बहाव की दृष्टि से बनास है। क्लियर हो गई बात। जबकि पश्चिमी प्रवाह की अगर बात करें, पश्चिमी प्रवाह की प्रायद्वीपीय पठार में पश्चिमी प्रवाह की सबसे लंबी, प्रायद्वीपीय पठार में पश्चिमी प्रवाह की सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी, जिसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। फिर अगर बात करें आगे तो नर्मदा नदी जो बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरती है, सॉरी अरब सागर, खंबात की खाड़ी में जब नर्मदा नदी गिरती है तो गिरने से पहले यहाँ एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। किसका? ज्वार नदमुख का निर्माण करती है नर्मदा नदी। नेक्स्ट बात की जाए, इस नर्मदा नदी के ऊपर एक परियोजना संचालित की जा रही है, इस परियोजना का नाम है सरदार सरोवर परियोजना। यानी कि नर्मदा नदी के ऊपर एक परियोजना संचालित की जा रही है जिसका क्या नाम है? सरदार सरोवर परियोजना। कौन सी परियोजना? सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी के ऊपर गुजरात राज्य में संचालित की जा रही है। इस सरदार सरोवर बांध से ही एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है नर्मदा नहर। और नर्मदा नहर सिलू गांव जालोर से राजस्थान में प्रवेश करती है। जो सिलू गांव जालोर से राजस्थान में प्रवेश करने के बाद सांचोर, जालोर तथा बाड़मेर की गुढ़ामलानी तहसील में सिंचाई का कार्य करती है। फिर अगर देखा जाए तो ये जो सरदार सरोवर परियोजना है, कौन सी परियोजना? सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना की अगर बात करें तो नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। और राज्य की अगर बात की जाए तो कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य है। और सरदार सरोवर परियोजना से एक नहर निकाली गई है जिसका क्या नाम है? नाम क्या है? नर्मदा नर्मदा नहर, नर्मदा नहर। और इस सरदार सरोवर परियोजना से जलापूर्ति की बात की जाए तो इससे जलापूर्ति होती है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को इस परियोजना से जलापूर्ति होती है। तो राजस्थान को जलापूर्ति होती है किससे? नर्मदा नहर के माध्यम से। नर्मदा नदी के बाद अगर आगे बात करें तो नर्मदा नदी के बाद सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। यानी कि सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। इस ताप्ती नदी के उद्गम की अगर बात की जाए तो ताप्ती नदी का उद्गम होता है मुलतई की पहाड़ी से। कहाँ से होता है? मुलतई की पहाड़ियां, यानी कि मुलतई की जो पहाड़ी है, इस मुलतई की पहाड़ी, और मुलतई की पहाड़ियां पड़ती है बैतूल मध्य प्रदेश में।
कहाँ पड़ती है? बैतूल, यानी कि मुल्तई की पहाड़ियां, बैतूल जिला मध्य प्रदेश में पड़ती है, और मुल्तई की पहाड़ियों से निकलने के बाद यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए अंततः खंबात की खाड़ी में अपना जल उड़ेल देती है। इस ताप्ती नदी के ऊपर ही उकाई और काकरा पारा परियोजना संचालित की जा रही है। कौन सी परियोजना? ताप्ती नदी की बात करें तो इस ताप्ती नदी के ऊपर एक परियोजना संचालित की जा रही है जिसका नाम है क्या? काकरा पारा। गुजरात राज्य में है ये परियोजना। कहाँ है? काकरा पारा परियोजना गुजरात राज्य में। काकरा पारा परियोजना गुजरात राज्य में ताप्ती नदी के ऊपर संचालित या क्रियान्वित की जा रही है। क्लियर हो गई बात? तो ताप्ती नदी का उद्गम मुल्तई की पहाड़ी मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और अंत में गुजरात में जाकर के यह एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। आपको याद रखना है कि जो नर्मदा और ताप्ती नदी है, ये दोनों प्रायद्वीपीय पठार की ऐसी नदियां हैं जो ढाल के विपरीत बहती है और एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करते हुए खंबात की खाड़ी में अपना जल डालती है। नेक्स्ट, अगर इसके बाद बात करें अपन, तो अगली नदी है आपके सामने मांडवी नदी। कौन सी नदी? मांडवी नदी। मांडवी नदी की अगर बात की जाए तो मांडवी नदी का उद्गम होता है बेलगांव कर्नाटका से। कहां से होता है? बेलगांव कर्नाटक। और आप सभी जानते ही हो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो मांडवी नदी की अगर बात की जाए तो मांडवी नदी का उद्गम होता है कहाँ से? बेलगांव कर्नाटका से। कौन सी नदी है? मांडवी नदी। तो मांडवी नदी का उद्गम है बेलगांव कर्नाटक। और मांडवी नदी कर्नाटक से निकलकर गोवा और गोवा के बाद अंततः अरब सागर में गिर जाती है। इस मांडवी नदी की अगर बात की जाए तो मांडवी नदी को कहते हैं गोवा की जीवन रेखा, या यूं कहें यह गोवा की एक प्रमुख नदी है। गोवा की एक प्रमुख नदी है तथा मांडवी नदी को कहा जाता है गोवा की जीवन रेखा। गोवा की जीवन रेखा कहते हैं किसको? मांडवी नदी को। मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। यह गोवा की एक प्रमुख नदी है तथा इस मांडवी नदी के किनारे ही गोवा की राजधानी पणजी, गोवा की कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? मांडवी नदी के किनारे स्थित है। बात समझ में आई? तो गोवा की जो राजधानी है पणजी, वह किसके किनारे स्थित है? मांडवी नदी के किनारे ही स्थित है गोवा की राजधानी पणजी। फिर अगर देखा जाए तो गोवा की राज्य की दूसरी नदी की अगर बात की जाए, यानी कि जीवन रेखा तो कौन सी हो गई? मांडवी नदी हो गई। फिर नेक्स्ट अगर बात करें तो एक और नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है जुआरी नदी। कौन सी? जुआरी नदी। एक और नदी अगर अपन देखें यहां पर, तो यह नदी है आपके सामने जिसका नाम क्या है? जुआरी, जुआरी नदी। इस जुआरी नदी के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो जुआरी नदी गोवा की सबसे लंबी नदी है। जुआरी नदी की अगर बात की जाए तो गोवा की सबसे लंबी नदी है जुआरी। गोवा की जीवन रेखा किसे कहते हैं? मांडवी को। जबकि गोवा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जुआरी नदी। जुआरी नदी की अगर बात की जाए, जिसकी क्या विशेषता है कि यह गोवा की सबसे लंबी नदी, गोवा की सबसे लंबी नदी जो है वह कौन सी है? जुआरी नदी है। और इस जुआरी नदी की अगर बात की जाए, इस जुआरी नदी के किनारे एक बंदरगाह स्थित है जिसका नाम है मार्म गाँव बंदरगाह। बात समझ में आई? मार्म गाँव बंदरगाह जुआरी नदी के किनारे स्थित है, गोवा राज्य में स्थित है मार्म गोवा बंदरगाह, जो किस नदी के किनारे है? जुआरी नदी के किनारे है। जुआरी नदी के बाद अगर अपन आगे बात करें तो अगली अपने पास नदी है जिसका नाम है शरावती नदी। कौन सी नदी है? शरावती। नेक्स्ट नदी कौन सी है? शरावती, शरावती नदी। इस शरावती नदी की अगर बात की जाए तो शरावती नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य से ही होता है। शरावती नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटका से। कर्नाटक राज्य से निकलती है शरावती नदी। और इस शरावती नदी की अगर बात करें तो शरावती नदी के ऊपर एक जलप्रपात स्थित है, यानी कि यह निकलती है शिमोगा कर्नाटक से। कहाँ से निकलती है शरावती नदी? शिमोगा कर्नाटक से निकलती है। और शरावती नदी के
नदी पर एक जलप्रपात स्थित है जिसका नाम है जोग, या यूं कहें गरसेप्पा, या यूं कहें महात्मा महात्मा गांधी जलप्रपात, महात्मा गांधी जल प्रपात। जोग गरसेप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात स्थित है शरावती नदी के ऊपर, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बात समझ में आई? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसी शरावती नदी की अगर बात की जाए तो शरावती नदी पर 1902 में एक परियोजना का संचालन किया गया जिसका नाम है शिव समुद्रम परियोजना। कौन सी परियोजना? शिव समुद्रम परियोजना भी शरावती नदी पर कर्नाटक राज्य में प्रारंभ की गई थी। इसके बाद अगर बात की जाए शरावती नदी के बाद, तो शरावती के बाद एक नदी है अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है जिसका नाम है पेरियार नदी। कौन सी? पेरियार। और पेरियार के दक्षिण में है जिसका नाम है भरतपुंजा नदी। यानी कि अगर बात की जाए तो नेक्स्ट अपने सामने नदी है जिसका नाम है क्या? पेरियार नदी, पेरियार नदी। और पेरियार नदी के दक्षिण में अगर अपन चलते हैं तो पेरियार के दक्षिण में स्थित है आपकी भरत पुंजा। कौन सी? भरत पुंजा। ये आपकी पेरियार नदी, और इसके दक्षिण में कौन सी है? भरत पुंजा नदी। अब पेरियार नदी की अगर बात करें अपन, तो पेरियार नदी निकलती है अन्नामलाई की पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है? अन्ना मलाई की पहाड़ी से। और भरत पुंजा भी कहाँ से निकलती है? अन्ना मलाई की पहाड़ी से, अन्नामलाई की पहाड़ी से। क्लियर हो गई? तो ये पश्चिमी प्रवाह या अरब सागरीय अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां थी। अरब सागरीय अपवाह तंत्र या यूं कहें प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली पश्चिमी प्रवाह की सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। और प्रायद्वीपीय पठार की नर्मदा तथा ताप्ती नदी घाट के विपरीत प्रवाहित होती है। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। गोवा की जीवन रेखा मांडवी नदी कहलाती है, जबकि जुवारी गोवा की सबसे लंबी नदी है। फिर अगर बात की जाए तो जुवारी नदी के किनारे मार्म गोवा बंदरगाह स्थित है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट बात करें तो बेणेश्वर धाम तथा गलियाकोट साबरमती नदी के किनारे स्थित है। पूर्व का मैनचेस्टर या यूं कहें अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। क्लियर हो गई बात? ये प्रमुख पश्चिमी प्रवाह की नदियां थी। कल पढ़ेंगे अपन पूर्वी प्रवाह या बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। थैंक यू।